हमने भद्रसा के सिचुएशन पर एक वीडियो बनाई थी जिसका मकसद यही था कि जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सलूशन निकल सके, लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम इतना अतरंगी है कि किसी भी आदमी के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। अब इसे नाकामी कहें या पैसे की बचत, ये आप लोग ही डिसाइड करिए। इलेक्शन आएगा तो यही पॉलिटिशियन डेवलपमेंट रिलीजियस और बिना जाने किन किन मुद्दों को निशाना बनाकर वोट मांगने पहुंच जाएंगे। आपको लगता होगा कि अंधभक्त सिर्फ मोदी जी के होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अंधभक्त हर एक लेवल पर देखने को मिल ही जाते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ अंधभक्त मिलेंगे जो कहते हुए मिल जाएंगे कि हमारे टाउन में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, जैसे रोड बनी, टॉयलेट बना और भी तमाम चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ। तो अगर ये काम भी नहीं कराया जाएगा तो और क्या होगा। हमारे कस्बे में दो ही जगह ऐसी हैं जहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं, और वो जगह है फेसबुक या तो होटल। हमारे यहाँ तो होटल पर चाय की चुस्की लेते हुए बड़ी बड़ी डील्स हो जाती हैं, जैसे चुनावी गर्मा गर्मी के बारे में, बिजनेस और शादी के रिश्ते तक होटल्स पर हो जाते हैं। भद्रसा में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर इनको एक गिलास चाय पिला दें या एक पुड़िया पान खिला दें तो बड़ी से बड़ी बात भी उगलवा सकते हैं। आइए भद्रसा की कुछ और प्रॉब्लम्स पर नज़र डालते हैं। भद्रसा और पिपराताल के बीच में एक मोड़ पड़ता है जहां आपको कचरे का कब्रिस्तान देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो चेयरमैन की जमीन है, जब उनको प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमें ही नहीं बल्कि वहां से गुजरने वाले हर एक आदमी को प्रॉब्लम है। उसके बाद बड़े दरवाजे में चांद सहित पर जो कचरा फैला है वो शर्मनाक है। आपको वहां से गुजरने पर अपनी नाक ढकनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी बदबू रहती है कि शायद ही आप टॉलरेट कर पाएं। अब वहां पर रहने वाले लोग कैसे रहते हैं ये तो वही लोग बता सकते हैं। शायद आदत पड़ गई होगी या तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। शायद अगर उस जगह किसी सभासद या चेयरमैन का घर होता तो ये हाल न होता। स्टेशन रोड की हालत खस्ता हो चुकी है, रोड पार करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अभी 3-4 महीने पहले एक हादसा हुआ था जो काफ़ी खतरनाक था। दरअसल भद्रसा के शिवाला एरिए में पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, इसलिए समरसिबल की बोरिंग हो रही थी और पानी लगा हुआ था। कर्मचारी की लापरवाही की वजह से रात भर पानी चलता रहा। ये बोरिंग सड़क के बगल में हो रही थी जहां काफ़ी घर और मकान है। रात भर पानी चलते रहने की वजह से जमीन के अंदर ही अंदर मिट्टी कमज़ोर हो रही थी। सुबह जब एक लोडेड गाड़ी उस सड़क से गुजरी तो उस गाड़ी के पहिए 1-1.5 फीट जमीन में धंस गए। जब और सुबह हुई तो देखा गया कि आसपास की दुकानों में भयंकर दरार पड़ चुकी है। इसका असर 8-10 दुकानों पर हुआ। एक मार्केट बनी हुई थी जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन अगर दिन होता तो शायद कई जाने भी जा सकती थी। बाद में सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन मुआवजे से बहुत ही कम लोग खुश हैं। इसमें किसी की भी गलती हो लेकिन जवाब तो चेयरमैन साहब को देना पड़ेगा। जिस टाइम ये हादसा हुआ था सुनने में आया था कि चेयरमैन साहब उस टाइम कहीं सैर करने निकले थे, इसी वजह से वो हादसे वाली जगह पर काफ़ी देर बाद पहुंचे। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा घूमने वाले पॉलिटिशियन मोदी जी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा घूमने वाले पॉलिटिशियन के बारे में? जी हाँ, वो हैं भद्रसा के चेयरमैन। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन UPSC 2022 में पूछा जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे ये चेयरमैन साहब की पर्सनल लाइफ है, वो घूमें कुछ भी करें, लेकिन वो एक टाउन के चेयरमैन भी हैं तो उनको अपनी ड्यूटी ध्यान में रखकर चलना चाहिए। सवाल भी उसी से होता है जो सत्ता या पावर में होता है। हमें सिर्फ विकास से मतलब होना चाहिए, ना कि धर्म, जाति या किसी और चीज़ से। नेता लोग तो यही चाहते हैं कि पब्लिक फालतू के मुद्दों में ही परेशान रहे और उनके ऊपर किसी का ध्यान न जाए। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, जो भोली भाली जनता को समझ में नहीं आती। पॉलिटिशियन हमेशा से ही लोगों के साथ विश्वासघात करते आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कोई भी दूध का धुला नहीं है। लेकिन हम एक नई उम्मीद के साथ हमेशा ही नेताओं पर भरोसा करते हैं, लेकिन हर बार धोखा ही मिलता है। ये हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि
कि उत्तर प्रदेश में आज तक कोई ढंग का नेता नहीं आया जो पूरे उत्तर प्रदेश की सोचे। मायावती आई तो सिर्फ लखनऊ को ही फायदा मिला, बाकी जिले तो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं। सब लोग सिर्फ अपना अपना ही देखते हैं। अगर ऐसे ही देश चलाना था तो आज़ादी का क्या मतलब हुआ, इससे अच्छा काम तो अंग्रेज ही कर रहे थे। भदरसा के उन बदबूदार लोगों से अपील है कि आप लोग कमेंट बॉक्स या भदरसा में और गंदगी न फैलाएं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गंदगी पहले से है। जो लोग हमारी बातों से सहमत हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।